जब यहाँ ठंड रहती है तो ये समझ लीजिए जो हरा भरा आप देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सब सूखा रहेगा, बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राई रहेगा। अभी तो ये बहुत हरा भरा हो गया है। स्टीवेंसन स्क्रीन है, इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। ये आपका डायबल टेम्परेचर का थर्मामीटर है, ये वेट बल्ब का है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अच्छा, ठीक है। ये हम जो है दिन भर का जो भी टेम्परेचर होता है लॉन्गर रेडिएशन का, वो इसमें रिकॉर्ड होता है। ये वेट बल्ब है, हम दोनों इसकी मदद से RH, ड्यू पॉइंट, वेपर प्रेशर ये सब मेज़र करते हैं। ये अपना मैक्सिमम है, पूरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो इसमें दिखाएगा, और ये जो मिनिमम है पूरे दिन का जो भी है मिनिमम वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें ये हो गया, ये चार चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है, और अब इसमें कुछ और नहीं। अच्छा, ये हो गया अपना वो ड्राई वेट और मैक्सिमम मिनिमम आपका। अच्छा, ये हमारा एनोमीटर है, इसमें हम लोग जो है दो चीज़ें अपना मेज़र करते हैं, एक तो विंड डायरेक्शन हो गई आपकी और दूसरा आपकी विंड स्पीड हो गई। तो जैसे इस समय जो है नॉर्थ डायरेक्शन की जो है विंड इसमें बह रही है और बाकी अप्रॉक्सीमेटली 2 knots की विंड है ये। ठीक, ये तो हो गया आपका एनोमीटर, और ये है आपका देखिए AWS का सिस्टम। AWS होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इन केस जो है जैसे हम लोग तो अपना मैनुअली आते हैं, उसको मेज़र करते हैं और कंप्यूटर में उसको फीड करते हैं, वो मेज़र करता है और अपना हम लोग सिनॉप बनाते हैं। इन केस अगर कोई आदमी कहीं पे ऐसे स्टेशन है जहाँ पे आदमी नहीं है, तो वहाँ पे AWS इंस्टॉलेशन वो ऑटोमेटिक ही आपका ये टेम्परेचर ड्राई का, RH का, वेपर प्रेशर का, एनोमीटर की विंड स्पीड डायरेक्शन क्या होगी वो इसमें मेज़र करके ऑटोमेटिकली जो है डाटा सेंटर को भेज देता है। तो ये है, और ये सोलर पावर से अपना चार्ज होता रहता है, उसके लिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये डाटा लॉगर है अपना, ये हो गया। ये इतना सिस्टम हो गया AWS का, और इसमें जैसे रेन जो है ERG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, इसमें पानी जितना भी गिरता है वो ऑटोमेटिकली इसको मेज़र करके इसमें रिकॉर्ड कर देता है, ये उसको वहाँ सेंड कर देता है डाटा सेंटर में। यहाँ पे इतना सारा इसका काम हो गया है। और जब हम लोग सिनॉप लेने बनाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे क्लाउड का देख लेते हैं किस टाइप का क्लाउड है। जैसे इस समय अभी आप जो देख रहे हैं ये लो क्लाउड है, ठीक है, तो इसमें भी CU क्लाउड है या SCCU है, उसका टाइप जो भी आदमी रहेगा उस हिसाब से अपना देख के आप वहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा और कितना अमाउंट है इसका। तो इस क्लाउड की हाइट कैसे आप जैसे आपको सबसे पहले ये देखना है कि लो क्लाउड है, मीडियम है, हाई है। जैसे ये लो क्लाउड है और इसमें भी ये CU होगा, तो इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 900 मीटर्स की हो सकती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे उस हिसाब से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लाउड का। बाकी एक विजिबिलिटी होता है, जैसे अभी आप विजिबिलिटी का क्या रहता है कि मार्किंग दी होती है कि अगर माउंटेन का वो पीक दिखाई दे रहा है तो वो 6 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर है, उस हिसाब से आप अपना विजिबिलिटी की मार्किंग 9, 6, 9, 5, 9, 7
उस हिसाब से आप बता सकते हैं। तो ये हो गया विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, और बाकी इसको आपको सिनॉप में जो है कोडेड फॉर्म में सेंड करना है।